हेलो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी कार्डियक मर्मर्स। नाउ व्हाट आर कार्डियक मर्मर्स? कार्डियक मर्मर्स आर बेसिकली द साउंड्स प्रोड्यूस्ड, आई मस्ट से द एबनॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन इट हिट्स अगेंस्ट द वेल्व्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, दोज वेल्व्स में भी मिट्रल वेल्व, एओर्टिक वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व और द पुलमोनिक वेल्व। तो अब ये जो मर्मर्स हैं ये किस टाइप्स के होते हैं? दीज मर्मर्स में आइदर बी ऑफ स्टेनोसिस और दीज मर्मर्स में आइदर बी ऑफ रिजर्जिटेशन। तो इसी तरह से हमने इसे 6 to 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लेकिन एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें सिनेरियो आता है कि मिड डायस्टोलिक मर्मर कौन सा है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कौन सा है एंड व्हाट नॉट। 6 to 7 कैटेगरीज जब डिफरेंट मर्मर्स की आ जाएँ तो पिन पॉइंट डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम एक निमोनिक अभी पढ़ेंगे, उस निमोनिक की वजह से यू विल बी एबल टू डायग्नोस द सिनेरियो विद इन नो टाइम। तो देखते हैं जी दोस्तों, तो मर्मर्स का निमोनिक अब आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4-word सेंटेंस लिखा हुआ है, अ प्राइम मिनिस्टर एंटर्स इंग्लैंड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंटर्स इंग्लैंड। इसमें जो हर एक वर्ड है वो एक डिफरेंट मर्मर की कैटेगरी को शो करता है। जो प्राइम है that indicates pan-systolic murmurs, P for pan. Pan-systolic murmurs को holosystolic murmurs भी कहते हैं। जो M minister है उसमें that stands for mid-diastolic murmurs. The E in the enters stand for ejection systolic murmurs and the E in England stands for end-diastolic murmurs. ठीक है, now moving on to the second part of the mnemonic, कि ये जो मार्कर आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी मर्मर्स आएंगे, 3 to 4 मर्मर्स जो इधर लिखे हुए हैं वो एम टी की कैटेगरी में होंगे। ठीक है, द माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड मर्मर्स। जबकि जो इस मार्कर या इस बाउंड्री की राइट साइड पे जितने भी मर्मर्स होंगे दे विल कम इन टू द डोमेन ऑफ द ए पी मर्मर्स विच आर द एओर्टिक एंड द पल्मोनिक मर्मर्स। तो अब हमारे लिए ईजी हो गया सारा कुछ। जो मिड डायस्टोलिक मर्मर है उसमें आपने एक मर्मर याद रखना है हमेशा, माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर। ठीक है, तो माइट्रल स्टेनोसिस का पेयर जो बनेगा वो इसके साथ स्टेनोसिस का ही होगा, लेकिन माइट्रल के बजाय ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का रख दें आप। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो पैनसिस्टोलिक है विच यू सी ओवर हियर, यहाँ पे दोनों रिजर्जिटेशन के मर्मर्स रख दें, द माइट्रल रिजर्ज एंड द ट्राइकस्पिड रिजर्ज। सिमिलरली जो इजेक्शन सिस्टोलिक है उसमें आपने जो मर्मर याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके जो माइंड में आना चाहिए, दैट इज द मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। एक दफ़ा एओर्टिक स्टेनोसिस आपको याद आ गया तो उसी का ऑपोजिट स्टेनोसिस का मर्मर पल्मोनिक स्टेनोसिस, उसी की कैटेगरी में रख दें इंजेक्शन के। ठीक है, और उसके ऑपोजिट जो होगा एंड डायस्टोलिक उसमें रिजर्जिटेशन के दोनों मर्मर्स रख दें। तो सिंपल सा है, इसमें जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि जो मिड डायस्टोलिक मर्मर है वो माइट्रल स्टेनोसिस का आपने याद रखना है और उसके साथ जो है आप आगे जो है सारे लाइन में सोचते रहें कि उसके साथ का जो पेयरिंग में मर्मर आएगा वो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का होगा और जो दूसरी पैन सिस्टोलिक मर्मर कैटेगरी है उसमें रिजर्ज के दोनों मर्मर्स आप रख देंगे। ठीक है, जबकि जो इधर राइट में है इसमें जो पहला पहला मर्मर आपके ख्याल में आना चाहिए इजेक्शन में, दैट इज द मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस एक दफ़ा माइंड में आ जाए तो उसके साथ आप पेयरिंग करते रहें सारे मर्मर्स की, द पल्मोनिक स्टेनोसिस और उसके ऑपोजिट वाली कैटेगरी जो कि एंड डायस्टोलिक मर्मर्स है उसमें एओर्टिक रिजर्ज एंड द पल्मोनिक रिजर्ज। नाउ आई होप दैट हेल्प्स, थैंक यू सो मच।